हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो क्या AEW के सबसे बड़े रेसलर WWE के अंदर डेब्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस का मैच होने वाला रेसलमेनिया के अंदर या फिर नहीं होने वाला, इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। और साथ ही साथ हमारे ट्रैवल चिप ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए इस बार एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। तो भाई वीडियो बहुत कमाल का होने वाला, वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर से देखिए। हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे भाई, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AEW के सबसे बड़े रेसलर केनी ओमेगा के बारे में। आपको अगर नहीं पता इनके बारे में तो सिंपल आप इतना समझ ले कि PWI जो लिस्ट आया था, आई थिंक 2018 या फिर 2019 के अंदर, पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन रेसलर थे हमारे केनी ओमेगा। और उस समय मुझे याद है रोमन रेंज को हराकर नंबर वन पर बने थे, PWI लिस्ट में नंबर वन पर आए थे। ऐसे भी अगर आप लोग थोड़ा सा और जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो मैं आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा ड्रीम मैच है वो केनी ओमेगा के साथ रिंग शेयर करिए, सबसे बड़ा उनका ड्रीम मैच है, खुद इंटरव्यू के अंदर वो बताया। तो खुशी की बात यह है कि इनके बारे में रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। एक्चुअली में इनका इसी साल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म होने वाला AEW कंपनी के साथ। डेम मेल्जर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इसका कि केनी ओमेगा WWE कंपनी को साइन करते हुए दिख सकते हैं इस साल। मतलब आपको इस साल केनी ओमेगा WWE कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर आपको याद होगा तो यंग बक्स जो कि केनी ओमेगा के साथ ही काम करते हैं, वो भी WWE कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले हैं। और इस बात को उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपने ट्विटर के ऊपर टीज भी किया था। आई थिंक मैंने इस रिपोर्ट को मैंने कवर भी किया था आज के कुछ टाइम पहले। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो केनी ओमेगा और यंग बक्स तीनों को WWE कंपनी के अंदर देखने के लिए, सारे लोग कमेंट सेक्शन में निर्भर को जरूर से बता सकते हैं। हां, इंस्टाग्राम के ऊपर आकर सारे लोग फॉलो कर ले, और मैं वहां सबसे पर्सनली बात करता। बहुत जल्द हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर 500 फॉलोअर भी होने वाला, तो सारे लोग आकर फॉलो भी कर लो। नेक्स्ट एक और मैं आपको टैग टीम के बारे में बता देता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा WWE के अंदर फिर से रिटर्न करते हुए दिखेगा, जो कि AOP। आई थिंक आप लोग अगर दो या तीन साल से WWE कंपनी को अगर देख रहे होंगे, तो आई थिंक सारे लोग को पता होगा कि ये WWE के अंदर एज ए फॉर्मल टैग टीम ही काम कर चुके हैं। मैंने आई थिंक जब इनको लास्ट टाइम देखा था तो ये सेथ रॉलिंस के साथ एज ए टैग टीम काम कर रहे थे। तो भाई ये बहुत कमाल के एक टैग टीम पार्टनर है। तो करेंट जो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग AOP भी बहुत ही जल्द WWE के अंदर फिर से आ सकते हैं, बहुत ही जल्द ये फिर से WWE कंपनी को साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। क्या इनका मैच होने वाला इस बार का रेसलमेनिया के अंदर ओमोस के साथ या फिर नहीं होने वाला है? तो भाई देखो, अगर यहाँ पर हम लोग अगर डेम मेल्जर का बात करें, जिसका करेंट टाइम में रिपोर्ट करीब करीब सही निकल रहा, तो उनके अकॉर्डिंग ये मैच होने वाला इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। और साथ ही साथ WWE वाले ब्रे वाइट का मैच कंसीडर कर रहे हैं बॉबी लेस्ली के साथ इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। और वहीं अगर हम लोग बाकी न्यूज का बात करें, जैसे जायरो न्यूज वगैरह बहुत सारे और न्यूज, उनके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं होने वाला है। उनके अकॉर्डिंग WWE वाले सिर्फ ऐसे एक एंगल दिखाने वाले ओमोस और ब्रॉक लेसनर के बीच में अगले मंडे नाइट रॉ को, और होने क्या वाला है एक्जैक्टली 2 या 3 मिनट के अंदर ही हमारे जो ब्रॉक लेसनर ओमोस को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। वैसे सही में यार, किसका बात सही है किसका बात गलत है, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है स्टील अभी WWE के अंदर। पर्सनली मैं भी इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग अगले मंडे नाइट रॉ तक आप लोग वेट कर लीजिए, अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको सारा चीज क्लियर होते हुए दिख सकता है। वैसे एक्चुअली में जब मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी इस मैच को रेसलमेनिया के अंदर देखने के लिए। भाई देखो, आपके लिए गुड न्यूज है, आई थिंक आप लोग का रिक्वेस्ट WWE वाले एक्सेप्ट भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट लोग बात करते हैं WWE के एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू के बारे में, जिसने भाई लिटरली बहुत सारे WWE के अंदर रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड है कि पिछले साल से 54% ज्यादा ऑडियंस ने देखा इस बार का एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू को। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड है WWE के पूरे हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया इस बार का एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू, पूरे WWE हिस्ट्री के अंदर। थर्ड रिकॉर्ड है इससे ज्यादा मर्चेंडाइज आज तक WWE हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू के अंदर, मतलब यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल में सबसे टॉप पर गया है ये। फोर्थ रिकॉर्ड ये है रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन वाले फ्यूड को 20 मिलियन से ज्यादा व्यू मिला है पूरे 24 घंटा के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब भाई अप्रोक्स आप मान सकते हो हर एक घंटा 10 लाख लोग देख रहे थे रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन का ये मैच को। वैसे मैं आपको बता दूं एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू वाकई में काफी अच्छा था, अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच अगर हम लोग हटा दे तो। और WWE वाले रिसेंट टाइम में जितने पेपर व्यू के अंदर जितने भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, सारे रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, वो हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज। वैसे एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के अंदर आप सैमी ज़ेन को भी क्रेडिट दे सकते हो, पर हाँ ओवरऑल इसके पीछे हाथ है रोमन रेंज का ही। वैसे मैं आपको बता दूं कल ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बैनर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। एक्चुअली में इसके पीछे ये रीजन है कि इसके नीचे लिखा हुआ है विंस मैकमैन का, मतलब अभी भी इससे साफ तरीके से ये पता चल रहा है कि रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच हो रहा है उस बैनर के नीचे अगर विंस मैकमैन का नाम है तो मतलब उनका इन्फ्लुएंस है इस मैच के अंदर। भाई आपको शायद ये बिलीव नहीं होगा, पर विंस मैकमैन ही वो रेसलर थे जो कि रोमन रेंज को इतना ज्यादा टॉप पर ले गए। विंस मैकमैन ही वो रेसलर थे जो कि रोमन रेंज को हमेशा से बहुत बड़ा स्टार देखना चाहते थे, उनके अंदर पता था कि रोमन रेंज के अंदर ये कैपेबिलिटी है और रोमन रेंज इस बात को साबित करके दिखा। आप देख रहे होंगे करेंट टाइम में WWE के जितने भी पेपर व्यू हो रहे हैं, चाहे वो रॉयल रंबल हो, चाहे एलिमिनेशन चैंबर हो, या फिर हमारे चाहे वो क्राउन ज्वेल, सारे पेपर व्यू के अंदर WWE वाले न्यू रिकॉर्ड बना रहे, रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बना रहे बिकॉज ऑफ रोमन रेंज। तो इसके लिए सही में यार मेरे तरफ से ट्रिब्यूट है विंस मैकमैन को, बहुत बड़ा डिसीजन लिए थे WWE के अंदर रोमन रेंज को पुश करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टोरी जुड़ा हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में, जो कि आपको WWE के लाइव शो के अंदर देखने को मिलेगा। ये शो होने वाला है 4 मार्च को, आई थिंक कनाडा के अंदर ही होने वाला है शो, जिसके अंदर आपको रोमन रेंज देखने को मिलेगा। ये बस एक लाइव इवेंट का शो है। वैसे आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई रोमन रेंज तो पेपर व्यू के अंदर नहीं आता, तो फिर लाइव शो के अंदर क्यों जाएंगे, क्यों कम्पीट वगैरह करेंगे? तो भाई इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि WWE वाले रेसलमेनिया से पहले बहुत सारे लाइव शो करवाते हैं ताकि रेसलमेनिया का हाइप बन सके। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रेसलमेनिया के अराउंड बहुत सारे आपको WWE वाले लाइव शो भी करवाते हुए दिख सकते हैं, जहां रोमन रेंज आपको अपीयर होते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने डोमिनिक मिस्टर और अपने मामी के बारे में।
अगर आपने कल मंडे नाइट रॉ को शो अगर देखा होगा तो मैंने उसके अंदर बताया था कि नेक्स्ट वीक ये जाने वाला, इस बार का स्मैकडाउन के ऊपर ये चीज ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है। और उसके पीछे आई थिंक सारे लोग को रीजन पता ही होगा, रे मिस्टीरियो का मैच आई थिंक किसके साथ है मुझे याद नहीं, पर हाँ स्मैकडाउन के ऊपर रे मिस्टीरियो का मैच है, उसके अंदर जाने वाले हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। और फाइनल डब्ल्यू लिवा रहे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों का फ्यूड बढ़ाने वाली है फिर से, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का मैच भी होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं अभी से लेकर रेसलमेनिया तक आपको बहुत सारे स्मैकडाउन के रेसलर आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, मंडे नाइट रॉ के रेसलर आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलेंगे रेगुलर तरीके से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जेफ हार्डी के बारे में। मुझे पता है डब्ल्यू के बहुत सारे जो पुराने फैन है बहुत बड़ा फैन है जेफ हार्डी के। तो रिसेंट टाइम में बहुत सारे लोग मुझसे एक्चुअली पूछते रहते हैं भाई जेफ हार्डी कहां है, क्या रेसलिंग करने आएंगे डब्ल्यू के अंदर या फिर नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं करेंट टाइम में जो जेफ हार्डी एडब्ल्यू के अंदर, पर वहां भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है। एक्चुअली में जो जेफ हार्डी की अभी करेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग ये अभी DUI का केस वगैरह इनके ऊपर चल रहा है, तो अभी उसका हियरिंग वगैरह कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कुछ टाइम पहले भी इनको पुलिस पकड़ी थी, आई थिंक ड्रंक होकर गाड़ी वगैरह चला रहे थे, तो उसी वगैरह के केस में फंसे हुए। वैसे मैं आपको बता दूं जेफ हार्डी डब्ल्यू कंपनी के अंदर कभी न कभी जरूर देखने को मिले, क्योंकि यार जेफ हार्डी का होम है यार डब्ल्यू डब्ल्यू। तो चलिए हम चलते हैं अपने फाइनल न्यूज की तरफ जो कि जुड़ा हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हमारे जॉन सीना के बारे में। तो आई थिंक आप लोग सारे लोग को यह बात ऑलरेडी पता ही होगी 5 या 6 मार्च के अंदर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जॉन सीना डब्ल्यू के अंदर। तो जब मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमारे जॉन सीना आ जाएंगे उसके बाद एक्जेक्टली क्या होने वाला मैं आपको बताने वाला हूं। तो करेंट जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग जॉन सीना आकर बहुत बड़ा एक प्रोमो कट करेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उसको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे हमारे ऑस्टिन थ्योरी, फिर हमारे जो ऑस्टिन थ्योरी है बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, ट्रैश टॉक करने की कोशिश करेंगे हमारे जॉन सीना के साथ, फिर उसके बाद हमारे जॉन सीना ए लगाकर इस पूरे सेगमेंट को खत्म करेंगे, उसके बाद इन दोनों का मैच फाइनल हो जाएगा इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। वैसे मैं सही बताऊं अभी मैं स्टिल कंफ्यूज हूं कि क्या जॉन सीना रेसलमेनिया के अंदर जीतने वाले ये मैच या फिर नहीं जीतने वाले, क्योंकि यार सबसे बड़ा बात है कि जॉन सीना स्टिल बहुत ज्यादा बिजी रहते, तो एज ए चैंपियन डब्ल्यू लीग के अंदर वो कंटिन्यू कुछ टाइम तक करने वाला ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। रॉक के लिए मेरे दिल में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि यार रॉक डब्ल्यू लीग ऑडियंस का बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आप दूसरी साइड देख लो जॉन सीना ऑलरेडी फिल्म वगैरह शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी एक नॉर्मल सा मैच देने के लिए डब्ल्यू लीग के अंदर वापस आ सकते हैं, पर जो मैच ऑलरेडी डब्ल्यू लीग के अंदर पूरे 5 साल से सारे ऑडियंस का एक ड्रीम मैच है, उस मैच को करने के लिए रॉक नहीं आ सकते, उनके पास बॉडी फिजिक नहीं, उनके पास टाइमिंग नहीं है। एक्चुअली पर्सनली मेरा और पूरे डब्ल्यू लीग के सारे ऑडियंस का दिल टूट चुका है, मतलब रॉक नहीं है रेसलमेनिया के अंदर, बहुत ज्यादा सच में बुरा लग रहा है। वैसे आज का वीडियो यही तक था, आपको रेसलमेनिया का डेट एंड टाइम जानना तो आप ये वीडियो जरूर से जाकर देख सकते हैं इसके बाद। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना भाई सारे लोग आ जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, सारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।